फिरोजाबाद में विगत दिनों दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी ने की प्रेस वार्ता। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पर कहा कि इनका गठबंधन बेमेल गठबंधन है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से दिल्ली में ईयू ईयू करती है, लेकिन पंजाब में पूछती है कि हम आपके हैं कौन। सर, क्या आज की जो हम लोगों ने प्रेस की है उसके माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने रैली की, इंडी गठबंधन ने, वो वास्तव में लोगों को धोखा देने के लिए की, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की। क्योंकि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उसके खिलाफ कोर्ट ने इनको जेल भेजा है, कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दी है। जो लोग कांग्रेस के लोग जो बड़े बड़े आरोपों में घिरे हुए हैं वो आज देश के अंदर कोर्ट के द्वारा बेल लेकर के घूम रहे हैं। आज बिहार के अंदर जो नेता हैं लालू यादव जी, वह जमानत पर है। ऐसा ये सारा कुचक्र रच करके जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, उसी को लेकर के हमने आज ये प्रेस की है। क्योंकि इन्होंने अभी रैली की थी हम लोगों के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ, जिसमें इंडिया गठबंधन पर जो आरोप लगाए थे उनका इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे लोग कोर्ट के द्वारा आरोपित लोग हैं और कोर्ट ही इन पर कार्रवाई कर रहा है। और इनकम टैक्स का जो इन्होंने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, कांग्रेस ने समय पर इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, कम दिखाया, और इसके कारण इनकम टैक्स उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्यों नहीं जवाब दे पा रहे, ये सारे जवाब हम और जनता इनसे पूछना चाहती है कि वास्तव में जो हम लोगों ने विषय रखा है ये सही है या गलत है, ये जनता को जाकर के बताएं।